अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करना है फेसबुक के बारे में। दोस्तों आपने कभी ना कभी फेसबुक अकाउंट बनाया होगा और काफ़ी लोगों का मोबाइल जो है ख़राब हो जाता है या टूट जाता है या बेच देते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। जो आपका पासवर्ड होता है, जब आप वहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर आपको सर पासवर्ड मांगा जाता है। तो काफ़ी लोग क्या होता है पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं कि यार हमने क्या पासवर्ड डाला था। अब उनको वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी वहाँ पर फॉरगेट नहीं हो पाता पासवर्ड और ना ही आपके ईमेल पर पासवर्ड आ पाता है। तो काफ़ी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि यार हम कैसे उस पासवर्ड को पता कर सकें क्या हमारा पासवर्ड था। तो इस वीडियो में बात करने वाले 100% आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक का पासवर्ड क्या था बिना फ़ोन नंबर के और बिना ईमेल एड्रेस के। ठीक है, तो चलिए हमारे दोस्तों शुरू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है और क्या हमारा पासवर्ड था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में आपको क्रोम ब्राउज़र, अपने जो एप्लीकेशन होता है जो क्रोम ब्राउज़र का, इसको आपको क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है वन टाइम। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आपने ये चीज़ इनेबल अभी तक नहीं करी थी तो आप इस वीडियो देखो तो इस चीज़ को इनेबल जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये आप इनेबल नहीं करेंगे तो आपके पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं होगे। तो आपको इसको पहले इनेबल करना है, देख सकते हैं मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ और यहाँ पर डिसेबल। तो इसको आप इनेबल करके रखेंगे यानी ऑन करके रखेंगे तो ये जितने पासवर्ड आपके यहाँ पर शो होते रहेंगे, आपको कभी भी यहाँ पर पासवर्ड बनाते हो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं बनाते हैं इसको नहीं करते हैं तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको पता करना है कि क्या हमारा पासवर्ड था क्या नहीं था। ठीक है, अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना फेसबुक का बनाया था या किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने के लिए। तो सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जो भी चीज़ का आपका पासवर्ड था, जैसे जीमेल का मान लेते हैं या आपको फेसबुक का, तो फेसबुक का मान लिया, हम यहाँ पर फेसबुक लिखते हैं। फेसबुक लिखने के बाद में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे फेसबुक के हमारे अकाउंट आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको करना है किसी भी जगह में, जैसे कि आपको लगता है मेरा ये फेसबुक था या यहाँ पर ये था, कोई भी आपको लगता है कि यह मेरा फेसबुक का जीमेल था या अकाउंट कुछ भी था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक यूजर नेम मिल जाता है जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था कि, देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर का, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीचे पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एक आँख वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखते रहिएगा यहाँ पर इनेबल हो जाएगा ये, आपको फिंगर मांग रहा है मेरा, यहाँ पर फिंगर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये पासवर्ड इसका था। यहाँ पर डिसेबल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये, फिर से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर भी यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपका ये पासवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पासवर्ड को यहाँ पर शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पासवर्ड सभी के सभी यहाँ पर सेव हो जाते हैं, आने वाले भविष्य में आप कभी भी इस पासवर्ड को देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आकर तो सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।